हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब? होपफुली आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो जी, ये क्लिप्स हैं अहोई अष्टमी से 2 दिन पहले की। तो मैंने सोचा मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूं। मम्मी और पापा मार्केट गए थे जिया के लिए अहोई अष्टमी की ड्रेसेस लेने, और वो ये मीठी सौंफ भी लेकर आए हैं। जिया बहुत पसंद करती है इसको, और उसके लिए आती है तो हम तो भाई यू नो है ही, हम तो खाएंगे ही। तो यहाँ मैं मम्मी से वही ले रही हूँ। तो चलिए मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूँ कौन सी ड्रेसेस मम्मी लेकर आए हैं। मम्मी जिया के लिए हर साल लेकर आते हैं ड्रेसेस जब से वो हुई है। तो अभी मेरी गुड़िया 3 साल की हो जाएगी, तो 3 साल से तो ये रिचुअल चला आ रहा है। जी हाँ, मम्मी यहाँ पर 2 ड्रेसेस लेकर आए हैं जिया के लिए, और दोनों कलर आपके सामने हैं। इनकी फिटिंग, इनका कपड़ा इतना सॉफ्ट है। और जी, ये हम जुगादरी लोकल मार्केट से लेकर आए हैं, किसी शोरूम से नहीं है। बट एक्सपेंसिव हैं थोड़ी, बट उसी हिसाब से कपड़ा स्टफ बहुत अच्छा आया है। अच्छा जी, कलर आप देख रहे हो, ये बिल्कुल यू नो जस्टिस कर रहा है कैमरा कलर के साथ। जो कलर्स दिखाए जा रहे हैं वही कलर है। अच्छा जी, तो यहाँ जिया घर पर थी मेरे पास, तो यहाँ पर देसी जुगाड़ से यू नो नाप लिया जा रहा है ड्रेसेस का, जो मेजरमेंट है कि भाई हाँ ये आ सकते हैं। इसको पैंट थोड़ी सी लंबी थी, बट जो ऊपर का अपर पार्ट था वो बिल्कुल सही आया था। आप इसको देखोगे भी आगे व्लॉग में, इसने अहोई अष्टमी वाले दिन ये डाली थी। अच्छा जी, तो आज है अहोई अष्टमी, और सुबह सुबह जिया ने ये काम फैलाया है। बाहर एक झाड़ू रखा था, उसने पूरा खोल दिया। यार बच्चों का ना कुछ नहीं पता होता, वो कब क्या करते हैं, बस ऑलवेज नजर रखनी होती है उनके ऊपर। अच्छा जी, तो ये सब तो चलता रहेगा। सबसे पहले हैप्पी अहोई अष्टमी। और हम सब रेडी होने के बाद मंदिर में आ गए थे पूजा करने के लिए, जो अहोई अष्टमी की कथा होती है वो करने के लिए। आप यहाँ सोच रहे होंगे कि मम्मी क्या कर रही हैं। सबसे पहले तो मैंने मम्मी को बोला कि आप मेहंदी दिखाओ। ये मेहंदी मैंने लगाई थी मम्मी को। हाँ जी, थोड़ी सी मैं टैलेंटेड हूँ, थोड़ी बहुत लगा लेती हूँ मेहंदी, तो ये मैंने लगाई थी। और यहाँ पर ना मम्मी शर्मा रहे थे, मैंने बताया था ना कि वो थोड़े शाये हैं, थोड़ा आते नहीं कैमरा के सामने। और मेरा बच्चा जो है, जो धूप बत्ती होती है उसके साथ अलग ही गेम चल रही थी इसकी। अच्छा जी, यहाँ पर मम्मी मुझे धूप और चावल दे रहे हैं हाथ में रखने के लिए, क्योंकि जब भी हम अहोई अष्टमी या करवा चौथ की कथा करते हैं तब उस टाइम पे हम धूप और चावल हाथ में रखते हैं और फिर कथा करते हैं, और उसके बाद उसको उसी दुपट्टे के पल्ले से बांध लेते हैं जो हमने पहना होता है। तो सबसे पहले नहा धोकर हम पूजा करते हैं, और जो ये धूप चावल होते हैं ये पहने हुए कपड़ों के दुपट्टे के साथ बांध लेते हैं, सो दैट पूजा में जब शाम को हम अर्घ्य देते हैं तो उस टाइम पर ये अर्पण कर देते हैं। अच्छा जी, तो यहाँ ना जिया को होता है कि जो कुछ भी हम कर रहे हैं सेम चीज़ वही करेगी, और मम्मी ने उसको भी थोड़े से चावल दिए जिसकी उसने पहले ही जय कर दी। उसको था कि जय करना है, मत्था टेकना है, तब उसको समझ में आया कि अच्छा हाथ में रखने, तो फिर उसको दोबारा से चाहिए थी कि माँ जी मुझे भी दे दो, मैं भी हाथ में रखूँगी। एक चीज़ ना मैंडेटरी होती है कि आप बच्चों के सामने ना अच्छे संस्कार अगर दिखाओगे ना तो वो अच्छी चीज़ें सीखेंगे। जैसा आप बिहेव करोगे वैसा वो सीखेंगे। सो मेक श्योर अपने बच्चों के सामने कुछ भी बैड बिहेवियर मत कीजिए। इंसिडेंटली कभी हो जाता है, वो सबके साथ होता है, कोई परफेक्ट नहीं होता, बट फिर भी मेक श्योर करना कि ना हो। अच्छा जी, तो इसके बाद जो है तिलक लगाते हैं मम्मी अपने आप को भी, हमें भी, और जो अहोई माता है उनको भी, और उसके बाद हम कथा करते हैं। लगाकर गौ की सेवा करोगे और अहोई माता का उजगता देवी का विधि विधान से व्रत आरंभ कर प्राणियों पर दया रखते हुए सपन में भी किसी को कष्ट नहीं दोगे तो तुम्हें भगवान की कृपा से पुनः संतान का सुख। अच्छा जी, तो कथा करने के बाद, गणेश जी की आरती करने के बाद हम सूर्य देव को जल अर्पण करते हैं, जिसमें भी जिया ने फुली पार्टिसिपेट किया। आप लोग देख सकते हो जैसे जैसे हम कर रहे हैं वैसे वैसे जिया कर रही है, और ये सब रिचुअल्स वो हमसे ही सीख रही है। मैंने भी मम्मी से सीखे हैं, जैसे मम्मी करते हैं वैसे ही मैं करती हूँ। ये होता है जो भी आपकी फैमिली ट्रेडिशन फॉलो करती है आप भी वही फॉलो करते हो, और करना भी चाहिए। अच्छा जी, तो यहाँ से जाने के बाद मैं प्रॉपर रेडी हुई थी अहोई अष्टमी के लिए। यहाँ पर मैंने बाल नहीं बनाए थे क्योंकि जल्दी जल्दी में सुबह की पूजा करनी होती है, फिर लेट हो जाता है, और उसके बाद हमने थोड़ी सी रील्स बनाई थी, पिक्चर्स क्लिक की थी। तो जी, ये है हमारा लुक
अहोई अष्टमी वाले दिन का। यहाँ पर मैं हूँ, जिया है, मम्मी है, तो हमने कुछ पिक्चर्स क्लिक की थी और ऐसे मस्ती की थी। आगे हमारी रील्स भी आएंगी जिसमें मैं और जिया हैं, तो आप कीजिए इंजॉय। और बाकी सारा जो भी प्रोसेस है आज का, जो भी हम करते हैं, वो आगे आपको इस ब्लॉग में देखने को मिलेगा, तो बने रहिए हमारे साथ। अच्छा जी, तो पिक्चर्स क्लिक करने के बाद यहाँ मम्मी प्रिपरेशन कर रही है शाम के डिनर की, जो हम पूजा में भी लगाते हैं। जैसे पूरी हो गया, प्रसाद हो गया, तो वो पूजा में भी रखते हैं, तो उसकी प्रिपरेशन कर रहे थे। साथ में अंगारी के लिए जो है गोहा बोलते हैं हम, वैसे उपले बोले जाते हैं, उसको भी रखा था, सो दैट हम अंगारी बना सकें, उस पर धूप दी जाती है। और ऐसे मम्मी जो हैं पूरी भी बना रहे थे, मैं जस्ट वीडियो बना रही थी और फिर बाद में मैंने थोड़े हेल्प की। तो जी, अभी आई मत्था टेकने की बारी। जो हम मत्था टेकते हैं अहोई अष्टमी के दिन, वो ऐसे है। क्या ले रहे आप? पैसे। अच्छा जी, तो हमारे इधर ना इस त्योहार को झांकरी भी बोला जाता है, तो हम ऐसे मत्था टेकते हैं झांकरी का और अहोई अष्टमी का, जिसमें हम जो पानी की झांकरी होती है उस पर भी रोली बांधते हैं। और सबसे पहले मम्मी ने मेरे हस्बैंड को रोली बांधी, हमें भी बांधी सबको, तो आगे आगे आपको देखने को मिलेगा कि हम कैसे बनाते हैं। और वैसे तो सबको पता है, फिर भी मैं बता दूँ, ये त्यौहार जो होता है बच्चों के लिए होता है, बच्चों की वेलबींग के लिए होता है। तो हर जो माँ होती है वो व्रत रखती है अपने बच्चे की वेलबींग के लिए, तो हमारा ये ट्रेडिशन है, हम फॉलो करते हैं। और एक बात तो है इंडियन कल्चर की, कि हर जगह के ना अपने अपने ट्रेडिशन है, अपने अपने रिलीजियस फेथ हैं जिनको हम फॉलो करते हैं। मुझे बहुत मज़ा आता है ऐसे ट्रेडिशन फॉलो करने में और ये सब करने में। तो जी, जो भी हमारी वीडियो देख रहा है उसके बच्चों को भी भगवान जी अहोई माता खुश रखे, हमारे बच्चों को भी खुश रखे, सब मज़े में रहें। और उसके बाद ऐसे हम अंगारी पे धूप देते हैं, वो प्रसाद होता है, पूरी होता है और सामग्री होती है जो भी। और आगे आप इंजॉय कीजिए कैसे हम अपनी पूजा कंप्लीट करते हैं। अच्छा, एक और चीज़, मेरी और जिया की जो ड्रेस है और मेरा दुपट्टा है, वो बाई चांस मैच हो गया, सेम कलर आ गया। मम्मी को कोई आइडिया नहीं था मेरे दुपट्टे का, क्योंकि ये ऑनलाइन ऑर्डर किया हुआ था, तो इनको अभी तक कोई आइडिया नहीं था इस कलर का। ये बाय चांस हो गया, ये माँ और बेटी का प्यार है हमारी छोटू सी जिया के लिए, जो उसकी ड्रेस मैचिंग हो गई है। अच्छा जी, तो अभी ब्लॉग ख़त्म नहीं हुआ है, बाकी बहुत कुछ बचा है, तो आप इंजॉय कीजिए, देखिए, मज़े कीजिए। अच्छा जी, तो यहाँ पूजा करने के बाद मैं मम्मी पापा को वो सब देती हूँ जो मैं मिनसती हूँ झाकरी वाले दिन, अहोई अष्टमी वाले दिन, और वो सब मैं देती हूँ। और फिर मुझे वही करवा चौथ की तरह पूड़ी मिलती है, शगुन मिलता है, जिसमें बहुत कुछ होता है भाई, पैसे, खाने पीने का बहुत कुछ होता है। बस ऐसे ही ये प्यार बना रहे मेरे बच्चों पर और मम्मी के बच्चों यानी हम पर, और दी भैया विवान सब पर कृपा बनी रहे, अहोई माता की, सब सही से रहें, और जो वीडियो देख रहे हैं वो भी सही से रहे, उनके बच्चे भी सही से रहे, सब पर कृपा बनी रहे। तो जी, आगे आप देखोगे जिया पैसे मिलने से ना इतनी खुश हुई है, इतना उसको एक्साइटमेंट हुई है, जो आप आगे देखोगे। जिया, कितने मिले, कितने मिले? ये देखो, हमने दे दिए विमान के और जिया के दिए। कहाँ जा रहे हो? अच्छा जी, तो इसके बाद हमने तारी को अर्घ्य दिया और ऐसे हमारा होई अष्टमी का जो व्रत है जो कंप्लीट हुआ। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।